हेलो सेजिटेरियस, दिस इज़ योर मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देख लेते हैं आपकी लव एनर्जी क्या है अगस्त के महीने के लिए आपके पार्टनर की तरफ। तो पहला ही कार्ड निकल के आ गया है हाई प्रीस्टेस। तो आप जो है इनर विजडम, इनर नॉलेज जो है गेन करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आप अब बढ़ने लगे हैं। कोई किसी भी तरीके की आप नॉलेज जो है अपनी लाइफ में गैदर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी जो है वो आपने अपने पार्टनर की तरफ बनाकर रखी हुई है। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए क्या है। सिक्स ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप अपने किसी पिछले जन्म के जो सोलमेट है उससे, उसके साथ डील कर रही हैं। सिक्स ऑफ कप रिप्रेजेंट करता है कि वो आपको याद करते हैं। पुरानी मेमोरीज अगर आपने इकट्ठे साथ में टाइम स्पेंड किया है तो वो आपको याद करते हैं, और इस इंसान के साथ आपका कुछ सोल लेवल पे कनेक्शन है। तो देख लेते हैं आपकी एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप जो हैं इस तरह की एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, लाइक अ परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ काइंड ऑफ अ मटीरियल हैं अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग आप। और एक स्टेबिलिटी है आपके अंदर, कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपके अंदर, नर्चरिंग और केयरिंग करने वाली एबिलिटीज़ है आपके अंदर। तो इस तरह की पर्सनैलिटी अपने आप में जो है स्टेबल आप हो चुके हैं, और इस तरह की एनर्जी जो है आप में देखने को मिल रही है। आप अपनी विजडम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, एक ठहराव और स्टेबिलिटी को लेकर आ रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। जो आपका पार्टनर है वो किसी ना किसी बात को लेके कंफ्यूज्ड है। दो यहाँ पे जो है क्रॉस रोड्स भी हो सकती हैं। आपका पार्टनर जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस वक्त आपको लेके, तो किसी तरह की कंफ्यूजन जो है उनके माइंड में बनी हुई है। तो आपकी एनर्जी, ओके, टू कार्ड्स निकल के आ गए हैं आपकी एनर्जी के लिए। सेवन ऑफ कप्स। आप जो हैं इस वक्त मल्टीपल थिंग्स के अंदर अपने पैर जो हैं फंसा कर बैठे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी हैं। आपका माइंड किसी एक जगह पे नहीं टिक रहा है। ये लाइक आपको माइंड इज स्कैटर्ड है। आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है, आपको फ्रेंड्स भी देखने हैं, आपको घर भी देखना है। तो इस तरह से जो आपका माइंड है वो स्कैटर्ड हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ऑटोमेटिकली रिवर्स आ गया है। इसका मतलब है आप जो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको कुछ टाइम अपने आप के साथ बिताने की ज़रूरत है। अलोन टाइम आपको चाहिए हीलिंग के लिए, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। रेस्ट चाहिए आपको। आप जो हैं बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी जो है अपनी लाइफ में कर रहे हैं स्टेबिलिटी को पाने के लिए, लेकिन आपको कुछ थोड़ा टाइम अपने आप के लिए भी निकालना चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं आखिर क्या निकल के आती है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स। तो वो बहुत ही जल्दी आपको किसी ना किसी तरीके का जो है ऑफ़र दे सकते हैं, जो कि एक इमोशनल ऑफ़र होगा। और ये बट ये स्लो एंड स्टेडी कार्ड है, मींस वो धीरे धीरे आपकी तरफ जो है बढ़ेंगे। एकदम से फास्ट एक्शन नहीं लेने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे किसी ऑफ़र के साथ। फाइनल आउटकम। और फाइनल आउटकम में क्या निकल के आया है। स्टार कार्ड। स्टार कार्ड मींस इस ये जो कनेक्शन है वो कुछ गॉड की ब्लेसिंग्स की तरह कनेक्शन हो सकता है, और आप दोनों को ही होप है इस कनेक्शन से। सो ये एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह जो है आप एक दूसरे को देखते हैं इस कनेक्शन में, राइट। तो अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस। पहला मैसेज क्या निकल के आया है। वार्मथ। आई एम सो कोल्ड विदाउट यू। सो दे आर फीलिंग सो कोल्ड विदाउट यू। एक और कार्ड लेंगे के पार्टनर का मैसेज। इम्पेशेंट। आई कांट वेट। तो किसी बात को लेकर आपका जो पार्टनर है वो इम्पेशेंट है। एक और कार्ड। मूविंग ऑन। आई रिग्रेट लेटिंग यू गो। तो वो किसी बात को लेकर जो है रिग्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब एक एडवाइस ले लेंगे आपके लिए। एडवाइस कार्ड फॉर ब्यूटिफुल सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जस्ट वन एडवाइस कार्ड। ओके, तो देखते हैं क्या निकल के आया है आपके लिए।
मूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंगली टू चेंज। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो स्टबर्न है और चेंज होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक सॉन्ग लेंगे लास्ट में आपके लिए, देखते हैं क्या निकल के आया है। कोई मिल गया मेरा दिल गया। ओके, सो दिस इज दी सॉन्ग, राइट। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।